चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश न्यूज की। देवास के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय और राज्य शासन के माध्यम से संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र शासन की जनहित योजनाओं में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे बच्चों, महिलाओं और समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। उनकी मांग है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित कर जाए और कार्यकर्ता का वेतन 18,000 और सहायिका का वेतन 15,000 न्यूनतम लागू किया जाए। कानपुर में संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन में लिए गए निर्णय के तहत ऑल इंडिया स्तर पर कर्मचारी श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में सरकार से मांग की गई थी। उसी मांग के तहत 5 अक्टूबर को पूरे देश में प्रदर्शन करना था, लेकिन 5 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती होने के कारण ऑल इंडिया में प्रत्येक जिला स्तर पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, सार्वजनिक उपक्रमों में मतलब विदेशी निवेश बंद किया जाए, हर जगह जहां भी उद्योग लग रहे हैं वहां पे मतलब जो है स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो कि मतलब जो है एक मिनिमम न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उन्हें सारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाए, पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, पीपीएफ, ईएसआई वगैरह ये सारी। तो वहीं छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग